नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सुजीत, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है 27x30 फीट का एक 3 बेडरूम हाउस प्लान, ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है 27x30। ये जो 810 स्क्वायर फीट एरिया है, ये हमारा प्लान एरिया है, प्लॉट एरिया नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दो, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे ये हमारे प्लान की फ्रंट साइड ईस्ट फेस, प्लान की जो ईस्ट वेस्ट लंबाई ये 30 फीट है, और जो नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण लंबाई ये 27 फीट है। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे एक गेस्ट रूम प्रोवाइड किया है, सॉरी ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है, यहाँ पे हमने गेस्ट रूम प्रोवाइड किया है जिसकी डोर ओपनिंग यहाँ पे ईस्ट फेस से दिखाई है। उसके बाद यहाँ पे ये जो नॉर्थ ईस्ट कोना है, यहाँ पे एक हमने ये स्टेयरकेस ब्लॉक दिया है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, यहाँ से ये अप रहेगा। गेस्ट रूम की साइज रखी है 10x10 फीट। यहाँ से ये सीढ़ी अप रहेगी। स्टेयरकेस ब्लॉक की साइज है 6x10 फीट। हर एक फ्लाइट की चौड़ाई 3 फीट है ऐसे, और ये 10 फीट। यहाँ पे ये डोर ओपनिंग है, ये एंट्रेंस लॉबी है, लिविंग एरिया के अंदर आने के लिए ये मेन एंट्रेंस डोर यहाँ पे दिया है। अभी स्टेयरकेस ब्लॉक बाहर की तरफ में, अगर फर्स्ट फ्लोर किराए पे देते आप तो ये जो इधर से बाहर के बाहर ही ऊपर चला जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पे कोई डिस्टर्बेंस रहेगा नहीं। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ये लिविंग एरिया प्लान किया है, इस लिविंग एरिया की साइज रखी है 12x15 फीट। तो ये 12 फीट और ये 15 फीट। उसके बाद यहाँ पे साउथ फेस में किचन यूनिट प्लान किया है, और किचन की साइज रखी है 8x10 फीट। तो ये 8 फीट और बाकी ये 10 फीट ऐसे आएगी। उसके बाद यहाँ पे से ये जो पश्चिम फेस है, वेस्ट फेस, यहाँ पे ये 2 बेडरूम है, और सेंटर में यहाँ पे ये कॉमन टॉयलेट बाथ। बेडरूम 2 की साइज रखी है 10x10 फीट। और ये भी 10x10 फीट। तो इसमें से ये 10 फीट, बाकी 10 फीट ऐसे। टॉयलेट बाथ की साइज 6x4 फीट है, तो ये 6x6 इस डायरेक्शन में। लिविंग एरिया के अंदर ये जहाँ पे जो स्टेयरकेस है, जो स्टेयरकेस की सेकंड फ्लाइट है ये वाली, इसके नीचे काफ़ी स्पेस मिलेगा, तो लिविंग एरिया के अंदर फर्नीचर अरेंजमेंट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी किचन और लिविंग एरिया के बीच में यहाँ पे ये 4 फीट की ओपनिंग दी है, यहाँ पे या तो दरवाज़ा भी लगा सकते हैं। बाकी ये मेन एंट्रेंस डोर, यहाँ पे गेस्ट रूम का ये D1, बेडरूम का D1, टॉयलेट बाथ का D2 और ये D1। तो इस तरीके से प्लानिंग है। ब्रिकवर्क की थिकनेस 6x6 है, ये बाहर वाला ब्रिकवर्क 6 इंच थिकनेस का, और ये अंदर वाला ब्रिकवर्क भी 6 इंच थिकनेस का। इसका टोटल एरिया है 810 स्क्वायर फीट, कंस्ट्रक्शन एरिया 810 स्क्वायर फीट, और इसका बजट आएगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो 810 × 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम इसका बजट निकालेंगे, तो आएगा वो 810 × 1100 8,91,000, 8.91 lakhs। तो इसका एक बेसिक कंस्ट्रक्शन बजट है, कॉस्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आपको प्लान कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और एक बड़े हाउस प्लान के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।